अंकित के मौत के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई। डोभी में स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च, दोषी शिक्षक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी। आपको बताते चले कि विगत 5 दिन पहले डोभी प्रखंड के अंगरा निवासी अजय पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार की मौत शेरघाटी में चल रहे एक निजी विद्यालय में शिक्षक की पिटाई से हो गई थी, ऐसा आरोप उनके परिजनों ने लगाया, जिसमें तत्काल आरोपी एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एक और आरोपी शिक्षक अभी भी फरार चल रहा है। स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोभी से चतरा मोड़ से गया मोड़ होते हुए चतरा मोड़ तक पुनः कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च चतरा मोड़ पर आकर समाप्त होकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। श्रद्धांजलि सभा को बारी बारी से सभी ने संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अंकित के परिजनों ने बताया कि मेरे बेटे की हत्या के आज 5 दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। परिजनों ने गया के SSP से मांग करते हुए कहा कि दोषी शिक्षक की अविलंब गिरफ्तारी हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। मौके पर उपस्थित स्वराज पार्टी के छात्र नेता दीपक कुमार दांगी ने बताया कि गिरफ्तारी और न्याय अगर नहीं मिलता है तो मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने से डरेंगे। कैंडल मार्च का नेतृत्व स्वराज पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने किया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक पासवान ने किया। कैंडल मार्च में अंकित के परिजन सुरेश पासवान, अशोक पासवान, बच्चन पासवान, विनय पासवान, सिंगर पीटर दास, पंकज दास एवं स्वराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कैंडल मार्च निकाले हैं पहले सरघाटी के एक निजी विद्यालय में अंकित की शिक्षक द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी। इसकी जानकारी वहाँ ही रह रहे कुछ छात्रों ने भी दिया और वहाँ उसका साथ में रह रहा उसका जो भाई था उसने भी यह बात बताया कि अंकित जब वहाँ के संचालक और एक और रोशन कुमार शिक्षक हैं दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो डराने धमकाने के लिए उसे रात्रि में उठा कर तो ऊपर छत पर ले जाकर के पूरी तरह से पिटाई की गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पिटाई के उपरांत जब उसका शरीर सरघाटी सदर अस्पताल में लाया गया था तो उसके शरीर में काफ़ी दाग धब्बे थे, उसका शरीर में कटा हुआ निशान था, साफ तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है। ऊपर से पुलिस प्रशासन को जब ये तमाम चीज़ें बताई गई तो पुलिस प्रशासन ने उल्टा परिजनों को भी कहा बंदूक घुसा करके गोली मार देंगे, तुम लोग ज़्यादा तेज मत पड़ो। तो पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही, पुलिस प्रशासन के इस तरह से रवैया कहीं ना कहीं यह दोषियों को संरक्षण देने की मानसिकता पुलिस प्रशासन की बता रही है। जिला प्रशासन और गया SSP महोदय से मांग करते हैं कि तमाम दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए सत्यता की जांच करते हुए अविलंब गिरफ्तारी की जाए और इन तमाम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही साथ इनके जो परिजन हैं उन्हें 10 लाख का उचित मुआवजा परिजनों को मुहैया कराया जाए ताकि परिजनों को उचित न्याय मिल सके। उनका जो बेटा खोया है वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा पूर्ति किया जा सके। मैं दीपक कुमार डांगी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र स्वराज। मेरा नाम अजय पासवान हुआ, घर अंगरा थाना डोभी हुआ, जिला गया निवासी हूँ। मेरा बड़ा लड़का अंकित कुमार सरघाटी हॉस्टल में पढ़ रहा था। कब से सरघाटी हॉस्टल में पढ़ रहा था? वहाँ पढ़ रहा था 22 दिसंबर 2022 के एडमिशन करवाए थे। अच्छा, 5 महीने के लगभग हो रही है। विद्यालय का क्या नाम था? न्यू इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय सरघाटी। कहाँ पढ़ता है सरघाटी में? सरघाटी थाना अंतर्गत ही पढ़ता है, चेरकी रोड में पढ़ता है, चेरकी रोड थोड़ा सा आगे। क्या हुआ था वहाँ पर उसके साथ? वहाँ हुआ था मास्टर ने उसका मार कर हत्या कर दिया झूठ मूठ कर, और उसमें कोई बात नहीं है, बोला कि बोला आपको बच्चा की तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत खराब नहीं था। आपको कब पता चला कि बच्चा की तबीयत खराब? पता चला 13 तारीख को पता चला कि तुम्हारा बच्चा की तबीयत खराब है, से आके देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ तो यहाँ से फिर परिवार लोग गए, 2-3 लोग गए कि बोलो हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं, से आके देख लीजिए। यहाँ से परिवार गए, और बाद जो मैडम वहाँ रहती है पढ़ाती है वो मैडम बाहर थी और बच्चा अंदर था, डेड बॉडी था बच्चा। उसके बाद फिर
यहाँ से जब परिवार गए था बोले कि बच्चा किधर है, तब बोले कि बोल बच्चा तो डेड कर गया। किनके माध्यम से पता चला बच्चा डेड कर गया? मैडम बोली थी जो पढ़ा रहे थे वहाँ संचालिका। हाँ, क्या नाम है उनका? बन्ना कुमारी। बन्ना कुमारी नाम है। वो बोले थे कि बोल तबीयत खराब है से आके देख लीजिए, और जो वहाँ जब गए तब वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है अंदर और बाहर था। उसके बाद फिर यहाँ से गया था, फिर परिवार मेरा रोने लगा। बच्चा डेड करने कितना देर पहले आपको सूचना दिया गया था? डेड हो गया था 4 बजे के लगभग भोर में, उसके बाद सूचना दिया है 7 बजे। 7 बजे हॉस्पिटल में लाया, सुबह में या शाम में? हाँ सुबह। बच्चा डेड हो गया था, मारकर हत्या कर दिया मास्टर ने स्कूल में। कौन सा हॉस्पिटल में था बच्चा? सरकारी अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी। किनके द्वारा भर्ती कराया गया था वहाँ पर? बंदना कुमारी प्रिंसिपल है स्कूल का, उनके द्वारा भर्ती कराया गया। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं सरकार से? गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जैसे जो भी मास्टर ने जैसे मारा है मेरा बच्चा को, उसी तरह देखना चाहते हैं, उसको भी मौत हो जाए, फांसी हो जाए, ये देखना चाहते हैं। अभी तक मामला को संज्ञान में लिया गया है क्या किसी के द्वारा? अभी तक पता नहीं चल रहा है। मैडम खाली मैडम को सुन रहे हैं कि उसका जेल हुआ है, बाकी मास्टर को भी पता नहीं है कि नहीं कुछ हुआ है।